नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय श्री कृष्णा। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ब्लॉग डॉग। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने श्री द्वारिकाधीश मंदिर में, और आपको दिखाते हैं द्वारिकाधीश मंदिर। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर लें। तो यहाँ जैसे ही कपिल शर्मा का ये कॉमेडी शो खत्म होता है, हम चलेंगे मंदिर की ओर और दिखाएंगे आपको भगवान द्वारिकाधीश का भव्य मंदिर, जो कि यहाँ का प्रमुख मंदिर है, और साथ ही आपको दिखाएंगे यहाँ का गोमती घाट। तो साथियों, हम अभी अपने होटल से निकल चुके हैं और जा रहे हैं द्वारिकाधीश मंदिर की ओर भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने। तो बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की जय। मिलते हैं आपसे बस थोड़ी देर में आगे। तो यार, हम अभी आ चुके हैं इस्कॉन गेट पर। यहीं से भगवान द्वारिकाधीश मंदिर जाने का रास्ता प्रारंभ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अभी हम पहुंच चुके हैं द्वारिकाधीश मंदिर के पास, पर अभी हमें यहां से उतर कर पैदल अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवर भैया ने बताया कि यहां से ऑटो अंदर नहीं जाता है। तो चलिए यहां उतरते हैं और चलते हैं मंदिर की ओर। तो अगर अभी आप द्वारिकापुरी आने की सोच रहे हैं और बजट का अगर इशू होता है, तो ऑटो रिक्शा आपको सबसे सस्ता साधन यहाँ पर है घूमने के लिए, और हर जगह अवेलेबल है। तो यहाँ से हम पैदल ही मंदिर की ओर जा रहे हैं, जो कि आगे कुछ ही दूरी पर है। और अगर ऑटो रिक्शा की बात करूँ तो उन्होंने हमारे होटल से यहाँ तक हमारे लाने में 20 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से ही चार्ज किया था। और अब हम पहुँच चुके हैं द्वारिकाधीश मंदिर के पास। तो कुछ ऐसा है द्वारिकाधीश भगवान का मंदिर। जय द्वारिकाधीश। तो अभी यहाँ मंगला आरती हो चुकी है और मंदिर के पट अभी बंद हो चुके हैं, तो कुछ देर बाद हम यहाँ वापस आएंगे। फिलहाल हम अभी जा रहे हैं गोमती घाट की ओर। तो यार, अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन हम थोड़े पीछे रह गए और बाकी लोग आगे चले गए हैं गोमती घाट पे। तो चलिए जल्दी हम भी चलते हैं वहाँ उनके पास। और यहाँ पर दुकान में भगवान द्वारिकाधीश के सुंदर सुंदर विग्रह, ऐसी बहुत सारी कलरफुल दुकानें आपको यहाँ पर मिलेंगी देखने के लिए। फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और हमारे ठीक सामने है गोमती घाट। और ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये है सुदामा सेतु, बट यहाँ के लोकल्स ने बताया कि अभी चालू हुआ नहीं है। तो अगर आपको नदी को पार करके उस पार जाना होगा, तो उसके लिए आपको बोट लेना पड़ेगा, या फिर आपको ज्वार उतरने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो हमें भी उस पार नहीं जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो वहाँ पर हमें अपने ग्रुप के कुछ और लोग मिल चुके थे, जिनके साथ हम अभी जा रहे हैं गोमती घाट की ओर। और इस रास्ते से भी आप द्वारिकाधीश मंदिर में जा सकते हैं, जिसका मुख गोमती घाट की ओर है। उस द्वार से भी मंदिर के अंदर जाते हैं। और यहाँ सामने गोमती घाट से ही लगा हुआ भगवान कल्कि का मंदिर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस मंदिर के ठीक पीछे ही आपको गोमती घाट मिलेगा। तो यहाँ बगल से गोमती घाट जाने का रास्ता है, और आपको सामने ही आपको गोमती नदी दिखाई दे रही होगी। और ये रास्ता थोड़ा सा संकरा है, इसलिए यहाँ पर भीड़ सा हो रखा है। और ये हम फाइनली पहुँच चुके हैं अभी गोमती घाट पर, जहाँ से गोमती नदी हमें दिखाई देना प्रारंभ हो चुकी है। और यहीं पर गोमती नदी जो है वो सागर में जाकर विलीन हो जाती है, वो जगह भी आपको अभी दिखाएंगे। तो साथियों, ये है द्वारिका का गोमती घाट।
फिलहाल अभी यहाँ पर ज्वार उतरा हुआ है, इसलिए यहाँ आपको रेत दिखाई दे रही होगी, वरना जब ज्वार चढ़ता है उस टाइम पर यहाँ पर पूरा पानी भरा होता है। और ये है हमारा भागवतरस परिवार। और अभी यहाँ से हमारी कलश यात्रा प्रारंभ होगी, जिसके निमित्त यहाँ सभी लोग उपस्थित हुए हैं। और आज तो हम सभी ने यहाँ पर गोमती घाट को ही पीताम्बरी उड़ा दिया। और अभी यहाँ से कलश में जल भरकर द्वारिकाधीश मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे कि नदी का जल स्तर अभी बहुत कम हो चुका है। ऐसा दिन में टोटल 4 बार होता है ज्वारभाटा की वजह से। हर 6 घंटे के अंतराल में यहाँ पर ज्वारभाटा आता रहता है और नदी का जल स्तर कम ज़्यादा होते ही रहता है। और अभी से लेकर कुछ घंटों के बाद यहाँ पर जल स्तर दोबारा से बढ़ना चालू हो जाएगा। तो अब यहाँ से कलश में जल भरा जाएगा, इसके बाद हम जाएंगे द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए। तो ये है मेरे मम्मी और पापा। और अभी मम्मी जा रही है कलश में जल भरने के लिए। तो जैसे ही यहाँ पर जल भरने का नियम पूरा हो जाता है, वैसे ही हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे द्वारिकाधीश मंदिर की ओर। और ये जो ध्वज यहाँ पर लहरा रहा है, ये द्वारिकाधीश मंदिर का है, जिसे दिन में टोटल 5 बार बदला जाता है। तो अभी जब मंदिर के पट खुलेंगे तो भगवान का श्रृंगार करके उन्हें भोग लगाया जाएगा और इसे दोबारा बदला जाएगा। और यहाँ पर हैं 2 बहुत बड़ी गायें। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऊँट वाले भी मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो ऊँट की सवारी भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, जिसका चार्ज है 50 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से। तो ऊँट की सवारी फिलहाल हम किसी और दिन करेंगे, अभी हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। तो यहाँ पर जल भरने की विधि पूर्ण हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं द्वारिकाधीश मंदिर की ओर। और अभी वीडियो में आगे हम आपको द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन भी कराएंगे, तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर बने रहें। और यहाँ पर गोमती घाट के ऊपर कुछ समुद्री रत्न, मोती, सीपी, घोंघे, शंख और भी ढेर सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो मिल रही हैं। तो अभी यहाँ मंदिर के पट कुछ ही देर में दोबारा खुलने वाले हैं, तो मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा। और अगर मंदिर की टाइमिंग की बात की जाए तो सुबह 6:30 बजे मंदिर के पट खुलते हैं और मंगला आरती होती है। तत्पश्चात 8 बजे तक भगवान के दर्शन होते हैं, फिर मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा मंदिर को 9 बजे खोला जाता है श्रृंगार दर्शन हेतु। तो अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं, तो दोबारा मंदिर के पट श्रृंगार दर्शन हेतु खोला जाएगा। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर, और आपको मंदिर खुलने और बंद होने की सारी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। और यहाँ इस शॉप पर बहुत ही सुंदर सुंदर हैंडक्राफ्ट्स मिल रहे हैं। और अभी कुछ दिनों बाद हम यहाँ पर लोकल शॉपिंग के लिए भी आने वाले हैं, तो उसका भी वीडियो आगे चैनल पर आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ देर बाद मंदिर के पट खुलने ही वाले हैं, तो अभी हम जाएंगे द्वारिकाधीश मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराएंगे द्वारिकाधीश मंदिर के। तो यार अभी यहाँ पर गर्मी अच्छी खासी हो रखी है और धूप भी जलना चालू हो चुका है, तो साथियों जब भी आप यहाँ द्वारिका आएंगे तो आपको भी ऐसे ही लाइन में लगकर मंदिर के अंदर जाना पड़ेगा, जो कि मंदिर के बाहर तक लाइन लगनी पड़ती है। तो साथियों दर्शन कीजिए द्वारिकाधीश मंदिर के, जो कि बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है।
तो यार यहाँ पर आने के बाद पता चला कि यहाँ मंदिर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना अलाउड नहीं है, लाइक कैमरा और मोबाइल फ़ोन। तो प्लीज़ आप भी जब भी यहाँ पर आएँ अपना मोबाइल फ़ोन और कैमरा कहीं अच्छे जगह पर रख कर आएँ, क्योंकि यहाँ पर रखने की कोई उचित व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो साथियों, मैंने भगवान के दर्शन कर लिए हैं और अब मैं मंदिर के बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि मंदिर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना अलाउड नहीं था। तो मैं आपको भगवान के दर्शन नहीं करा पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो आपको खुद ही यहाँ पर आना पड़ेगा। तो साथियों, कुछ ऐसा है भगवान द्वारिकाधीश का ये मंदिर, जिसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एज की बात अगर की जाए तो ये मंदिर आज से लगभग 2000 से 2500 साल पहले बनाया गया था। ये 5 मंजिला मंदिर 72 स्तंभों पर टिकी हुई है। तो साथियों, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पहले बताया था कि इस मंदिर का जो ध्वज है उसे दिन में 5 बार बदला जाता है, तो अभी फ़िलहाल इसे बदला गया है, आप देख सकते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी सभी के बाहर आने का वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जैसे ही हमारे ग्रुप के सारे लोग आ जाएंगे, हम होटल चले जाएंगे। इसके बाद वहाँ जाकर हम लंच करेंगे, उसके बाद शाम से आज भागवत कथा प्रारंभ होगी। तो शाम को ठीक 3 बजे कथा प्रारंभ होगी, तो हम जाएंगे होटल पार्थ इन ग्राउंड में। तो साथियों, हमारे ग्रुप के सारे लोग अब बाहर आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं होटल में। तो यहाँ से भगवान द्वारिकाधीश से विदा लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो बोलो जय द्वारिकाधीश। तो साथियों, आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैंने 4 धामों में से 1 द्वारिका धाम के दर्शन कर लिए हैं। अब मेरे 3 धाम शेष रह गए हैं, जो कि है बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। तो आने वाले समय में आपको इन जगहों की वीडियोस भी मेरे चैनल पर देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो साथियों, हम अभी जा रहे थे होटल और यहाँ पर रास्ते में हम अभी रुके हैं कुछ स्नैक्स लेने के लिए। तो इन भाई साहब के पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्नैक्स हैं। तो साथियों, हम अपने होटल में अभी आ चुके हैं और ये है होटल का रिसेप्शन। कुछ देर बाद हम जाएंगे लंच के लिए, क्योंकि हमारा लंच अभी रेडी हो चुका है। तो लंच के बाद मैं अभी आ चुका हूँ कथा पंडाल पर, यहाँ कुछ देर बाद कथा प्रारंभ होगी। तो साथियों, मैं अभी आ चुका हूँ कथा पंडाल के अंदर, जो कि है होटल पार्क इन ग्राउंड में। और यहाँ जैसे ही महाराज जी का आगमन होता है, फिर यहाँ पर भागवत कथा प्रारंभ होगी। साथियों, यहाँ पर अभी भागवत कथा की तैयारियाँ चल रही हैं, इसका शुरुआत आज से ही हो रहा है यहाँ पर। और महाराज जी का भी आगमन हो चुका है, तो कुछ समय बाद महाराज जी यहाँ पर कथा प्रारंभ करेंगे। तो अभी यहाँ पर भगवान की पूजा होगी, उसके बाद व्यासपीठ की पूजा अर्चना की जाएगी, तत्पश्चात भागवत कथा का प्रारंभ होगा। तो अभी यहाँ पर मैं आपको पूरी कथा नहीं दिखाने वाला, यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ क्लिप्स दिखा रहा हूँ। पूरी कथा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। और प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि आप भागवत रस परिवार के ऑफिशियल जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के एवं
ब्रिजभानुनंदिनी आनंद कंदनी श्री राधा रानी के अत्यंत करुणा कृपा से हम सबको यह सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भगवान के सुंदर चारों धाम में एक धाम द्वारकापुरी में द्वारकाधीश के चरणों में भगवान की कथा सुनने का ये सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है। बंधुओं, आज की कथा में हम भागवत की महिमा के बारे महत्व की कथा सुनेंगे, क्योंकि याद रखना, जब तक महिमा का पूर्णतया बोध नहीं होता तब तक कथा में आनंद नहीं आएगा। हमारे सनातन धर्म में संतों ने वैष्णव संप्रदाय में शक्ति की पहली प्रार्थना होती है, हम जब भी कहते हैं राधा कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधा नहीं कहते, जब भी कहते हैं राम नहीं कहते, सीता राम कहते हैं, क्योंकि शक्ति जब तक नहीं हो तो शक्तिवान कुछ नहीं कर सकता। तो ये भागवत कोई और नहीं, इसमें राधा कृष्ण का सम्मिलित स्वरूप है। और ये मत सोचना कि आपने मुझे बुलाया तो मैं आया हूं, कि मैंने आपको बुलाया तो आप आए, ये मत सोचना, क्योंकि बिहारी जी के महफिल तो बिहारी जी सजाते हैं, बिहारी जी कथा वही आते हैं जिसे बिहारी जी बुलाते हैं। आपके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हुई, प्रेरणा हुई, बिहारी जी की कृपा हुई और आप द्वारका धाम में है। ये तो हमारे आचार्यों ने बताया है, आपको शायद इस कथा के बारे में मालूम है, इसका रिजर्वेशन 6 महीने से चल रहा था, और अभी अभी तो कुछ 1-2 महीने मैंने देखा कि इतनी लाइन लग गई कि फोन उठा उठा के हम परेशान हो जाते थे, और करे भी क्या, छत्तीसगढ़ से जहां से आए वहां से एक ही ट्रेन डायरेक्ट चलता है, तो जिन्होंने पहले रिजर्वेशन करा लिया और जिनका बाद में रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद भी जिनको सीट मिल गया, भैया इस पे बिहारी जी की कृपा है, ये मान के चलना, अपने आपको सौभाग्यशाली समझना। तो बस यार, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आने वाले वीडियोस के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। इस संपूर्ण यात्रा का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, जहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही संपूर्ण भागवत कथा का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर जरूर एक बार चेकआउट कीजिए। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपके नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।